राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए भाजपा को वोट दें। अमित शाह ने यह अपील चित्तौड़गढ़ में 3 दिसंबर 2018 को आयोजित जनसभा में की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अनगढ़ बावजी की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान को समृद्ध राज्य बनाने के लिए देशभक्तों को भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने होगा। श्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार बनने के पश्चात जिस तरह भारत के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, इससे साफ है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी में कितना विश्वास है। और राहुल बाबा कह रहे थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। मैंने सबसे पहले देखा भाई दिन है या रात है, जरा देखो तो ऐसी ही दोपहरी धूप थी। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की मना ही नहीं है, सपने देखने चाहिए, मगर दोपहर में सपने देखने चाहिए क्या बताओ भैया? देखने चाहिए दोपहर में स्वप्न देखने वालों को निराशा ही लगती है। ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है 2014 के बाद का इस देश का चुनावी इतिहास। मैं आज राहुल बाबा को इस मंच से चुनावी इतिहास सुनाना चाहता हूँ। आप सुनोगे भैया? बोलो जरा, सुनोगे मेरे साथ, बोलोगे तो 2014 में राजस्थान की इस महान जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। सारी की सारी सीटें आपने नरेंद्र मोदी जी के झोली में, भाजपा की झोली में डाल दी सब सीटें राजस्थान की, और मोदी जी प्रधानमंत्री। उसके बाद सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र, क्या हुआ? कांग्रेस गई, भाजपा आई। मैं फिर से पूछूंगा, क्या हुआ? कांग्रेस गई, महाराष्ट्र में क्या हुआ? कांग्रेस गई, दूसरा हरियाणा में कांग्रेस गई, तीसरा झारखंड में कांग्रेस गई, चौथा कश्मीर में कांग्रेस गई, पांचवा असम में कांग्रेस गई, छठा मणिपुर में कांग्रेस गई, सातवा मेघालय में कांग्रेस गई, आठवा नागालैंड में कांग्रेस गई, नौवा त्रिपुरा में कांग्रेस गई, दसवा हिमाचल में कांग्रेस गई, ग्यारहवा उत्तराखंड में कांग्रेस गई, बारहवा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, तेरहवा गुजरात फिर से भाजपा आई, चौदहवा गोवा फिर से भाजपा आई, अब राजस्थान की बारी है, बताओ भाई क्या होगा? भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ना तो नेता और ना ही नीति है, ना ही सिद्धांत है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त प्रदेश को क्या मिला? 13वें वित्त आयोग में 1,09,242 करोड़ की राशि राजस्थान को मिली, जबकि बीजेपी की सरकार ने राजस्थान को 2,63,580 करोड़ रुपए देने का काम किया। वहीं कांग्रेस आज पूछ रही है कि बीजेपी ने राजस्थान के लिए क्या किया। मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक करकर 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 19 राज्य देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा शान के साथ लहरा रहा है मित्रों, शान के साथ। और ये कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाले स्वप्न देखते हैं राहुल बाबा, आपकी पार्टी को भारत के नक्शे पर दूरबीन लेकर देखना पड़ जाए ऐसी स्थिति। और ये तो राजस्थान है, सुंदर सिंह भंडारी और भैरव सिंह शेखावत का प्रदेश है। यहाँ पर कांग्रेस का जीतना असंभव है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई हिला नहीं सकता मित्रों, कोई हिला नहीं। और ये सचिन पायलट, अभी सचिन पायलट भाषण देकर कह रहे थे, जरा हमें बताओ कि आपने राजस्थान के लिए क्या किया है। मुझे सचिन पायलट को जवाब देने की जरूरत नहीं है मित्रों, मैं उनको जवाब देने के लिए बंधा हुआ भी नहीं हूं।
मगर ये चित्तौड़गढ़ की जनता जो है ना, ये जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, मालिक है। मैं जनता जनार्दन को जवाब देने आया हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राजस्थान को कितना मिलता था, क्या मिलता भैया? ये ओ भाई ठहर जाओ ना, अब थोड़ी देर ठहर जाओ, बैठ जाओ, तुम भी सुना ही पड़ेगा यार। अरे मित्रों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, राजस्थान को क्या मिलता था? राजस्थान को 13वां वित्त आयोग आया, राजस्थान को 13वें वित्त आयोग में 1,09,242 करोड़ रुपया मिला। मैं फिर से बताता हूं, जरा जोर से बोलो कितना मिला? 1,09,242 करोड़। शाह ने कहा कि 55 साल तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार ने 5 साल में 6 करोड़ गरीब मतदाताओं को गैस सिलेंडर पहुंचाया, 2 करोड़ गरीबों को घर दिया, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को बीमारू राज्य बनाकर रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये सुंदर सिंह भंडारी और भैरव सिंह शेखावत की धरती है और यहाँ कांग्रेस का जीतना असंभव है। शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की चिंता में देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख देती है। घुसपैठिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भारत माता की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार अंगद का पांव है, जिसे कोई नहीं हिला सकता। 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना का फायदा पहुंचाया, कॉलेज की बच्चियों को स्कूटी दी, कॉलेज के युवाओं को लैपटॉप दिया, 50 लाख महिलाओं को टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप हमारा हिसाब मांग रहे मित्रों? ये सब तो काम की बातें, ठीक है। अभी एमपी साहब गिना रहे थे, मैं रास्ते में था कि राजस्थान के लिए यहाँ के लिए क्या क्या हुआ है। नई रेल लाइन आ गई, सांवरिया जी के लिए 18 करोड़ के लिए बहुत सारी सूची गिना रहे। ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं है मित्रों। सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक कालिया मालिया जमालिया देश में घुसते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, उरी पर हमला कर दिया, पाकिस्तान को लगा कि अब भी कांग्रेस की सरकार है। हमारे 12 जवान जिंदा जला दिए गए मित्रों, बड़े सवेरे तड़के 3 बजे जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं। सबको लगा कि अब क्या हो, पूरा देश सकते में पड़ गया, मगर इस बार मौनी बाबा की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों के मृत्यु का बदला लेकर वापस। और कांग्रेस वालों को इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है। अरे राहुल बाबा, कभी शहीद के घर पे गए हो? शहीद की विधवा के माथे पर से जब सिंदूर पोछा जाता है, उसके दुख को कभी महसूस किया है? कोई बच्ची अनाथ हो जाती है,
कोई बहन पे राखी बांधने के लिए हाथ नहीं रहता है। इस स्थिति को कभी देखे हो? इसको राजनीति कहते हो? एक और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली भाजपा के साथ खड़ी है और दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, जिसका ना नेता है, ना नीति, ना सिद्धांत, वे लोग देश को बेचने पे उतारू हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में बनी 129 योजनाओं का क्रमबद्ध बोलने प्रारंभ करते हुए अपार जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारों से सभा स्थल को गुंजायमान कर दिया। अगले जन्म में चित्तौड़ की वीर भूमि पर जन्म लेने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अमित शाह ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान, गौरव की नगरी चित्तौड़गढ़ के सबूतों बामाशाह प्रताप, पद्मनी, विजय और कीर्ति स्तंभ का श्रद्धा के साथ नाम लेकर जन समूह का सीना गर्व से फुला दिया। ये वो भूमि है, अगर आज मेरे जैसे कई लोगों को ईश्वर पूछ ले कि अगला जन्म कहीं लेना है, कहां लेना है, तो मैं आंख मूंद कर कह सकता हूं महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर जन्म। बप्पा रावल और श्री कुंभा की वीर परंपरा ने यहां पर मुगलों की टापों को रोकने का काम किया था। पिछले पैर वापिस दिल्ली तक भेजने का काम इस भूमि में किया। यही भूमि है जो इस देश का शौर्य, इस देश का स्वाभिमान, इस देश के स्वधर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली परंपरा बनाने वाली भूमि है। ये वीर भामाशाह की भूमि है। और मित्रों, आज मुझे कहते हुए बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इतने बड़े जन समुदाय के सामने महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर आने का मुझे मौका मिला है। मित्रों, आने वाले दिनों में 7 तारीख को राजस्थान की जनता ने तय करना है कि अगले 5 साल तक किस पार्टी की सरकार रहेगी, किस व्यक्ति की सरकार। दो खेमे पड़ चुके हैं, दोनों खेमे तय है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में अभी मेरी बात तो समाप्त होने दो। राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, जिसका ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत। ए राहुल बाबा इधर उधर घूमते हैं, मैं हर रोज उनको पूछता हूं, अरे भैया मैं हर रोज इनको पूछता हूं। अपने पूरे 37 मिनट के संबोधन में शाह ने अंत में चित्तौड़गढ़ के 5 भाजपा प्रत्याशियों श्री चंद कपलानी, अर्जुन लाल जीनगर, चंद्रबान सिंह आकिया, ललित ओसतवाल, सुरेश धाकड़ को विजय श्री का संकल्प बड़े ही रोचक अंदाज से दिलाया और सभा में उपस्थित 25,000 से ज्यादा लोगों को निवेदन किया कि वे उनकी सभा समाप्त होने के बाद अपने मोबाइल फोन करके अपने अपने 50-50 रिश्तेदारों को भाजपा को जिताने की अपील करें। मीडिया संपर्क प्रमुख भाजपा पवन जैन पटवारी ने बताया कि इससे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रतन लाल गाडरी ने स्वागत संबोधन में कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज हमारे बीच पाकर हम सब गदगद हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जागृत करने का काम किया है। क्षेत्रीय सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने चित्तौड़गढ़ की शान विजय स्तंभ के प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह के रूप में शाह को भेंट कर अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि कालखंड में सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम से वैसे ही कांग्रेस परास्त है और आज इस भूमि पर वे हमें मार्गदर्शन देने आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद
यह तय है कि चित्तौड़गढ़ की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी भारी मतों से विजयश्री होंगे। सभा का संचालन श्रवण राव ने किया। न्यूज मीडिया टुडे के लिए चित्तौड़गढ़ से श्याम प्रताप सुखवाल।